वेलकम टू मॉम किड एक्सप्रेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको प्लम की प्यूरी कैसे बनानी है। जो आलू बुखारे होते हैं, इनको हम हिंदी में आलू बुखारा बोलते हैं। आलू बुखारे की जो प्यूरी होती है, आलू बुखारा अपने आप में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाने में, या अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने में। तो अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, या फिर उसको पॉटी बहुत टाइट आती है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है बच्चे को, या फिर वो डेली पॉटी नहीं जा रहा है, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे को आलू बुखारा दे सकते हैं। आप एक दिन छोड़ करके आलू बुखारा दें, बहुत जल्दी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप डेली बेसिस पे भी बच्चे को आलू बुखारा खिला सकते हैं। आलू बुखारे के साथ में एक प्रून करके ड्राई फ्रूट होता है, वो भी बहुत ज्यादा राहत देता है। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में भी प्रून की रेसिपी बताऊंगी कि आप कैसे प्रून को बच्चे को खिला सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू बुखारे के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके के अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 प्लम ले रही हूँ और इन 2 प्लम्स की अभी मैं प्यूरी बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले हम एक बोल में पानी ले लेंगे, क्योंकि हम ये आलू बुखारे का स्किन भी यूज़ करेंगे, इसका प्यूरी बनाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। तो देखिए, बोल में मैंने पानी लिया है और उसमें इन आलू बुखारों को मैं बहुत ही अच्छे से पोंछ लूँगी, कि जो भी स्किन पे अगर कुछ डर्ट या कुछ भी केमिकल्स वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस तरह से आप भी पहले बहुत अच्छे से इनको क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे इन दोनों प्लम्स को मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है और सबसे पहले हम इसकी जो बीच में गुठली होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है, तो उसको निकालने के लिए हम पहले चारों तरफ से इस तरह से उसको काटेंगे और फिर इसको ऐसे गोल घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ऐसे इसकी जो गुठली है वो आराम से निकल आएगी। तो इस तरह से आप भी इसको गुठली को निकाल सकते हैं। गुठली को निकालने के बाद में मैंने इसको मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि वैसे भी हम इसको प्यूरी बनाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कितने छोटे पीसेस में काट रहे हैं, कितने बड़े पीसेस में। बहुत ज़्यादा बड़े में हम नहीं काटेंगे, क्योंकि हम इनको स्टीम करने वाले हैं, इसलिए हम पहले इनको मीडियम साइज़ के टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है और पानी लेने के बाद में मैंने एक ये स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर मैंने स्टीम वाली छलनी रखी है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी बोल, कटोरी, कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप इस छलनी में ये आलू बुखारे रख दीजिए, जिससे कि स्टीम से पक जाएंगे। हम पानी में डाल के नहीं करेंगे, क्योंकि पानी में डाल के अगर आप करते हैं तो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इस आलू बुखारे के, वो सारे पानी में चले जाएंगे। या तो आप वो पानी यूज़ करिए, या फिर उसको अगर आप फेंकोगे तो सारी चीज़ें पानी में वेस्ट हो जाएंगी। तो अभी हमने गैस ऑन कर ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे ढक करके। अब 5 से 10 मिनट हो गया है, अभी हम एक फ़ॉर्क की मदद से एक बार चेक कर ले रहे हैं कि ये पीसेस हुए हैं या नहीं। तो आराम से फ़ॉर्क इन फ्रूट्स के अंदर जा रहा है, इट मींस कि ये पक गए हैं। और फिर इसको हम ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद में थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। गरम अगर है उस टाइम पे हम इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करेंगे, उससे मिक्सी के ब्लेड ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ही ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा गुनगुना रहे, तब हम इसको इस तरह से एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और फिर इसके बाद में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके आप देखिए, प्यूरी थोड़ी सी इस तरह से बन जाएगी। जैसा आप इसका कलर और टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने स्किन भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे, तो इस तरीके की ये प्यूरी बन जाएगी। देखिए, अब आप इसको अपने बेबी को खिला सकते हैं इसी तरह से। सो इसकी रेसिपी आपने देखा, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। और अगर आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा है, लाइक 10 मंथ से प्लस है, तो आप बिना बॉईल करे भी इसको प्यूरी करके डायरेक्टली आप बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि जस्ट अगर आपका बच्चा 6 से 8 महीने के बीच में है तो आप बच्चे को बॉईल करके प्यूरी बना के दें, अदरवाइज आप सीधे उसको ग्राइंड करके भी दे सकते हैं। क्योंकि जो एकदम ही छोटा बच्चा है, जिसने अभी सॉलिड्स खाना स्टार्ट किया है,
उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एक एक करके फ्रूट्स, तो बच्चे के डाइजेशन पे ज्यादा कुछ एकदम से प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए आपको बॉईल करके खिलाना चाहिए। लेकिन बाद में, लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूंगी कि आप 10 महीने के बाद वाले बच्चों को ही बिना बॉईल करके खिलाएं। तो रेसिपी आपने देख लिया, बहुत ही आसानी से रेसिपी बन जाएगी, बहुत ही इजी है। और मैं आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हो रखे हैं या बच्चे को कुछ भी लूज मोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये आलू बुखारा अवॉइड करना है, आपको प्रून भी अवॉइड करना है अगर बच्चों को लूज मोशन है तो। लेकिन अगर आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन में या तो लूज मोशन में, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने बच्चे के लिए एक अच्छी एडवाइस डॉक्टर से लें, क्योंकि बच्चे टू बच्चे भी वेरी कर जाता है कि किस पे क्या चीज इफेक्ट करेगी और क्या नहीं। तो अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज डॉक्टर से रिकमेंड करें, अदरवाइज आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।